السلام علیکم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم। मेरे नौजवानों, असल में ये बहुत बारीक बात है और न समझने के लिए तमाम सी बात है। जब आप किसी चीज़ की तवज्जो न दें तो वो चाहे जितना अहम मसला हो उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। बहरहाल, इस मौजू पर मैं गुफ्तगू करता रहता हूँ। आज भी कुछ चीज़ें ऐसी सामने आईं, मुझे एहसास हुआ कि नौजवानों को ये परेशानी, हर नौजवान को दुनिया में ये परेशानी लाहक होती रहती है, होती रहेगी। जी, जितना अहम मसला होता है उस अहम मसले को बार बार बताना चाहिए। जैसे कि मुसलमानों की एक जो किताब है, मज़हबी किताब कुरान है, उसमें अल्लाह की वहदानियत का बार बार ज़िक्र किया गया है। अल्लाह ताला के एक होने का ज़िक्र बार बार किया गया है। इसी तरह से बहुत से ऐसी चीज़ें जिनका ज़िक्र बार बार किया गया है। एक अहम बात जो आपको महसूस होगी, हर मज़हबी किताब में ज़रूर होगी, मैंने तो कुरान पढ़ा है, तो मैं आपको उसके मुताबिक बताता हूँ कि उसमें अल्लाह ने अपने ज़िक्र के साथ माँ बाप का भी ज़िक्र किया है। अल्लाह ने अपने ज़िक्र के साथ माँ बाप का भी ज़िक्र किया है। अब ये औलाद की यानि अदम तवज्जो ही या ये समझ दें कि उस मसले को गैर अहम महसूस करते हुए उस बात को तवज्जो न देना एक आम वतीरा बन गया है इस ज़माने में नौजवानों का। कोई तो बात है कि अल्लाह ने माँ बाप का ज़िक्र अपने ज़िक्र के साथ किया। ज़रा सोचें आप, ज़रा नौजवानों सोचें आप, आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी अहमियत माँ बाप को दी है तो ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई अहम मसलहत है, कोई ना कोई फ़िक्र है जो अल्लाह ताला चाहता है कि इंसानों को इसकी फ़िक्र हो जाए। वो मसला है माँ बाप का। माँ बाप वैसे तो सबको अच्छे लगते हैं, अच्छे लगना कुछ और बात होती है, लेकिन असल बात यह है कि उनके साथ बिहेवियर कैसा है हमारा, हम उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। उन्होंने एक बात कही, उस पर हम कितनी देर में अमल करते हैं। उन्हें किसी बात की तवज्जो दिलाई, हम उन पर कितनी मरतबा तवज्जो देते हैं। मसला यह है, आम सी बात मैंने महसूस ये की कि वालदैन की बात को अहमियत ही नहीं दी जाती। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बस वो अपनी अकल को काम में लेते हैं, तो वालदैन की बातों को वो समझते हैं आउट ऑफ डेट हो गई, ये पुराने वक्तों की बात हो गई, पुराने वक्तों के तजुर्बे हो गए। अब तो नए नए तजुर्बे, नई नई टेक्निक इस्तेमाल हो रही हैं इस ज़माने में, तो हमें अपने तौर पे अमल करना है। यह है वो बारीक उलझन जिसकी तरफ आमतौर पर तवज्जो नहीं दी जाती। एक तो हमारे इंस्टीट्यूट जो हैं पढ़ाने के, उसमें इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि एज ए होल इखलाक़ की तरफ हमारे इल्मी गहवारों की कोई तवज्जो नहीं है। आजकल के तो इल्मी गहवारे पैसा बनाने की मशीन है,
पैसा बनाने की मशीन है वहाँ, कोई और फिक्र नहीं है, बस ये कि पैसा बन जाए, पैसा आ जाए। हम जैसे मुल्कों में जो कि अंडर डेवलप है, पाकिस्तान में ये लानत इंग्लिश मीडियम स्कूल की ज़्यादा पुरानी नहीं, लेकिन बहरहाल इसने तबाही फेर दी है। न कुत्ता घर का रहा न घाट का, इंग्लिश मीडियम स्कूल नाम का है पैसे ज़्यादा लेने के लिए, बाकी उनको कोई अंग्रेज़ी वंग्रेज़ी नहीं आती। न कुत्ता घर का रहा न घाट का, न वो अपनी उर्दू सही पढ़ सकते हैं और न वो अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। तो मसला ये है, बात दूसरी तरफ लंबी चली जाती है, मैं मुख्तसरन कर रहा हूँ बात को, कि वालदेन की बात पे अहमियत नहीं देते। वालदेन कोई बात कह देते हैं तो उसकी तरफ तवज्जो उनकी बहुत कम होती है। एक बात मैं आपको बताऊँ तजुर्बे से और बुज़ुर्गों से जो सुनी है, वो ये है कि माँ तो बहरहाल किसी ना किसी तरह से औलाद से ऐसी नाराज़ नहीं होती, लेकिन बाप के लिए है कि बाप को अगर गुस्सा आ जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उसको माफ़ नहीं करता। माँ की जब दुआ आसमानों को पहुँचती है, इसी तरह बाप का गुस्सा भी फौरन आसमानों को पहुँचता है। मैं बड़े जले भुने दिल से ये बात कहता हूँ कि न जाने क्यों औलाद को माँ बाप का एहसास क्यों नहीं होता। एक बात कह दी जाए, मिसाल के तौर पर आमतौर पर अपने बच्चों से कहते हैं झूठ मत बोलो, झूठ बोलना बुरी बात है। आप ये देखें कि जब भी झूठ बोलता है कोई शख्स तो उसको फौरन याद आ जाती है कि मेरी अम्मा ने, मेरी अब्बा ने, मेरे स्कूल के टीचर ने, मेरे बड़ों ने मुझसे कहा है कि झूठ मत बोलो, लेकिन वो झूठ बोलता है। उसको एक मसलहत नज़र आती है झूठ बोलने में। इस तरह वालदेन की बात, वालदेन ने किसी ख्वाहिश का इजहार किया है या किसी बात पे मना किया है, देने की औलाद भूल जाती है। औलाद को याद होता है मगर उसको अपनी खातिर में नहीं लाते। मैं इस बात की तरफ बात को ले जाकर के बात को बढ़ा रहा हूँ आगे, ये खातिर में ना लाना बाप की बात को, माँ की बात को, ये बच्चों के लिए तबाही का बायस बनता है। बज़ाहिर तो ये वक्त गुज़र जाता है, माँ बाप भी इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन जो मैंने बात एक दफ़ा कही है कि मुकाफात अमल, तो बाप की नाराज़गी आपके नसीबों में स्याही मल देगी, आपके नसीबों में स्याही मल देगी। माँ बाप जिंदा हैं तो ठीक है, माफ़ी तलाफी हो जाती है, लेकिन बाज़ो 90% तो माँ बाप होते नहीं हैं। उसके बाद में अगर एहसास भी हो तो क्या है, अब पछताया क्या होता है जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। बाप ने किसी बात की बात तंबी करी कि भाई घर के अंदर ये काम ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि औलाद भूल जाती है उस बात को, नहीं भूलती नहीं है, वो उसको खातिर में नहीं लाती। ये खातिर में ना लाना उन पर तो कुछ नहीं, लेकिन वालदेन पे एक बड़ी ख़तरनाक अंदाज के असरा छोड़ता है, उसको बर्दाश्त करते हैं महज ये कि माहौल ख़राब ना हो। और माँ बाप बच्चों की मोहब्बत में भी बर्दाश्त करते हैं, लेकिन ये इनका बर्दाश्त करना
बच्चों के लिए समय कातिल है, ज़हरे हिलाइल है। इसकी तरफ भी नौजवानों में तुम्हारी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। जो बात माँ बाप कह देते हैं उसकी तरफ बहुत गौर से सुनो और उस पर अमल करो। कोई बात नहीं समझ में आ रही तो अदब से उस पर अपनी बात को कह दो कि ये बात ऐसी है, अब आप बताएं क्या करें। लेकिन एक फार्मूला है मुसलमानों के यहाँ, वो ये है कि दुनियावी मामलात में जो दुनिया के मामलात हैं उसमें तो चाहे आपके बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, औलाद की समझ में आ रही है या नहीं आ रही, उस पर अमल करना ज़रूरी है। ख़त्म हो गई बात। अब लोग कहते हैं जी वो ऐसा है ऐसा है ऐसा, ज़रूरी नहीं था कि माँ बाप की बात पर अमल किया जाए। नहीं, दुनियावी मामलात में तो 100% हुक्म है औलाद को कि वो माँ बाप का कहना माने। मैं इशारतन किनायतन ये बात कह रहा हूँ कि वक्त गुज़र रहा है, गुज़र जाएगा। मेरा वक्त क्या है, आई एम 86, 86 साल में मुकम्मल कर रहा हूँ। और ये मुकम्मल करना होता है नहीं होता है, लेकिन ये इतनी बड़ी उम्र पा लेना भी अल्लाह की बड़ी नियामत है। उसने बहुत कुछ उसने दिखा दिया, बड़ा करम नवाजी है उसकी। दुनिया की बहुत सी हकीकतों से पर्दा उठ गया और दुनिया बिल्कुल एक ख़ास शिकल में नज़र आ रही है। अब आम बच्चों को या कारीन को वो बात तो बताना बेकार है, वो जब इस जगह पहुँचेंगे उनकी समझ में आ जाएगा कि दुनिया क्या है। तो बात मेरी कहने की ये थी, माँ बाप घर में जो होते हैं ना वो बच्चों को बात कह देते हैं, लेकिन हम देखते हैं मगर बच्चे उनकी बातों को खातिर में नहीं लाते और उसको तरह दे करके उसके ख़िलाफ़ करते रहते हैं, बल्कि तवज्जो ही नहीं करते। बाद बच्चे तो ऐसा नज़र आता है जैसे कि कुछ नशा किए हुए हैं, घर में आते हैं तो बस वो अपने मामलात में अपने बीवी बच्चों के मामलात में खोए रहते हैं। माँ बाप की तो उनका कोई ख़ास ध्यान नहीं होता, बल्कि वो एक वाजबी सा जैसे कहते फॉर्मेलिटी के भाई माँ बाप है ना, इनको तवज्जो तो देना पड़ेगी बकौल उनके। फॉर्मेलिटी के तौर पर बहुत जगह ज़्यादातर तो मैंने देखा कि फॉर्मेलिटी के तौर पर वालदेन के साथ बर्ताव होता है, जबकि देखें वालदेन बच्चों से अपनी दिल व जान के साथ अमल करते हैं। खैर, बात मैं अपनी ख़त्म करना चाह रहा हूँ इस बात पर कि ये जो बच्चे वालदेन की बात को तरह दे जाते हैं, अहमियत नहीं देते, ख्याल नहीं करते, ये उनके लिए बहुत नुकसानदेह है, ज़हर हिलाइल है। माँ बाप की मौजूदगी में तो माफ़ी तलाफी हो सकती है, माँ बाप के मरने के बाद में बाप के कम अज़ कम गुस्से को गुस्से के बाद से वो नहीं बच सकेंगे। मैं साहब तो मैं ये कहता हूँ कि औलाद को बहुत मोहतात होना चाहिए, नौजवानों को बहुत मोहतात होना चाहिए वालदेन के लिए। ये वालदेन के साथ उनका जो लगाव होगा ना वो ज़िंदगी के रास्ते खोलेगा। ये वाद उनका उनके बेहतरीन बर्ताव वालदेन के साथ में ज़िंदगी की राहों को खोलने वाला, दुनिया की आशाइश आराम को खुल जा समसम करने वाला एक अमल होता है। ये कि आप वालदेन से अच्छा अमल करें तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, संवर जाएगी। जब आप उस्ताद की इज्जत करते हैं तो आपका इल्म बढ़ जाता है, जब वालदेन की खिदमत करते हैं तो उससे आपका रिस्क और दुनिया बढ़ जाती है। यही बात मैं कहना चाह रहा था। ख़ास तौर से कुछ ख़ास वजूहात की बिना मेरे दिमाग में ये बात आई
कि नौजवान इसकी तरफ अदम तवज्जोही का शिकार है, घर घर परेशानी है, माँ बाप कुड़ते रहते हैं, कुछ कहते नहीं हैं कि भाई घर का माहौल ख़राब होगा, लेकिन बहरहाल ये चीज़ ये नहीं कि औलाद भूल जाती है, औलाद को याद होता है, वो बदतमीज़ी करती रहती है, अपने तौर पर खातिर मना लाते हो ठीक है यार। तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, बाप ने कोई बात कही हुई है कि ये बात इस घर में ऐसा ऐसे होना चाहिए तो आपको पता है, लेकिन आप वो ऐसा नहीं करते। आपके सामने आपने कहा, बाप ने कहा कि भाई ये काम ऐसा कर लिया करो, आप देखते हैं, आप उसमें शरीक होते हैं उस वक्त, लेकिन आप देखते हैं कि वो काम ऐसा नहीं किया होता, लेकिन उस आपके मैंने आपके चेहरे पर आपके माथे पर किसी किस्म की सलवट नहीं आती कि वो बाप के कहने के मुखालिफत में काम हो रहा है, आपको उसकी फिक्र ही नहीं है, आप बदमस्त हाथी की तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला सारे नौजवानों को अपने माँ बाप की तरफ तवज्जो देने की तौफीक अता फरमाए, वरना इसके वबाल से नहीं बचेंगे आप। मकाफत अमल कम से कम बाप की नाराज़गी आपके लिए बड़ी परेशानी का बायस होगी।